हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑथेंटिक किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार चरसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना अब बहुत ही आसान है। इस कढ़ाई में ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं होते। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि रेस्टोरेंट में बनाई जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी शेयर किया करूँ। तो चलें शुरू करते हैं इस कढ़ाई को बनाने के लिए और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। काली मिर्च मैंने कुटी हुई ली है 1 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून के करीब ही है नमक, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें मैंने थोड़ा पानी शामिल कर दिया था। कुछ हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 किलो है टमाटर, 1 किलो है चिकन जिसको मैंने छोटे पीसेस में कटवाया है, 1.5 कप है कुकिंग ऑयल। तो शुरू करते हैं प्रोसेस को। मैं चूल्हे को ऑन कर लेती हूँ। सबसे पहले हम देचकी में ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो देचकी में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म करेंगे अच्छे से और साथ ही मैं नमक इसमें डाल रही हूँ। नमक को मैंने शामिल कर दिया है। 2 मिनट के बाद मैं चिकन को इसमें ऐड करूँगी। एक बार हिला देते हैं इसको अच्छे से और अब मैं चिकन शामिल कर देती हूँ। कोशिश करें कि आप छोटे साइज़ की ही बोटी बनवाएं। तो चिकन को शामिल कर दिया, अब इसको हम गोल्डन अच्छा सा कलर देंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन का कलर चेंज हो गया, हमें यही एग्जैक्टली कलर चाहिए था। आँच जो हमारी है वो हाई पे होगी। अब मैं इसमें से जो ऑयल एक्सेसिव ऑयल है उसको निकाल लेते हैं। तो मैं ऑयल को निकालती हूँ। हमें उतना ही ऑयल चाहिए जिसमें आपकी ये कढ़ाई अच्छी लगे। तो 1.5 कप ऑयल था, 1 कप मैंने निकाल लिया और 1/2 कप ऑयल है। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक जो था उसको ऐड कर दूँगी। मैं एक टमाटर के 2-2 स्लाइसेस बना रही हूँ, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। टमाटर मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अब हम ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाएं और इनका जो छिलका है वो बासानी उतर जाएगा। तो अब मैं ढक्कन को उठा रही हूँ और इनके जो छिलके हैं टमाटर के उनको मैं निकाल लेती हूँ। छिलके जो हैं वो आसानी से उतर जाएंगे। टमाटरों को भी थोड़ा टाइम लगता है गलने के लिए, तो इतनी देर में टमाटर भी गल गए हैं, इनका छिलका उतर जाए। अब आप टमाटरों को चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लें। और इसी पॉइंट पे मैं हरी मिर्चों को ऐड कर दूंगी और ब्लैक पेपर को। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी हरी मिर्चें आपको पसंद हैं आप उतनी डाल सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्चें और काली मिर्च ऐड कर दी है। अब इसके पानी को खुश करेंगे और साथ ही ये जो टमाटर हैं इनको ऐसे मसलते रहेंगे चम्मच की मदद से ताकि एक अच्छी ग्रेवी बन जाए। हमें हाई फ्लेम पे इस कढ़ाई को अब बनाना है, पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए होगी आप उतनी ही रखें। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करें। देख सकते हैं कि टमाटरों की वजह से जो कढ़ाई का कलर है वो भी चेंज हो गया, अच्छा सा कलर आ गया है। तो मैं इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए हाई आँच पर पकाऊँगी और फिर आपको सर्विंग डिश में डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। तो चिकन पककर बिल्कुल तैयार हो गई है, कढ़ाई हमारी रेडी है। मैं चूल्हा करने लगी हूँ जी बंद, चूल्हा हो गया बंद।